अगर आप ऐसे बर्तन धोएंगी ना, तो अगर आपकी सासू माँ देखे तो वो तो मारेंगी आपको, मतलब उसी तरह पानी के नीचे बर्तन लगाए धुली जा रही है। ये टिपिकल घर के अंदर ना एक सीन होता है जब बर्तन धुल रहे होते हैं, और हर सास को मुझे नहीं समझ आती कि बर्तनों पे क्यों ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि बर्तन साफ धोना इसलिए जरूरी है कि इससे हाइजीन का बड़ा ताल्लुक है। हाँ, अगर और ये एक आर्ट है बिल्कुल। और मजे की बात है कि मेरी भी लड़ाई जो है ना वो अपनी उससे सर्वेंट से हमेशा बर्तनों पे होती है, लेकिन हम यहाँ पे लेमन मैक्स की बात करेंगे। लेमन मैक्स का ये पेस्ट, लेमन मैक्स पेस्ट जो कहते हैं कि वॉश विदाउट वेस्ट, और लाइन लेमन मैक्स पेस्ट देखो ना, पानी छोड़ के लड़की तुम चली गई है उसके अंदर, ये सारा जो है ये खराब हो जाएगा। नहीं नहीं, ये पानी इसी के अंदर रहेगा तो इससे और मजीद जो बर्तन धुलेंगे वो और सॉफ्ट, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, बड़ा काम आ रहा है यहाँ पे। और लेमन मैक्स बार जो कहता है कि अपनी लीमो की ताकत से ये जली जमी चिकनाई को करे साफ, और ये बिल्कुल आपकी तरह है, काम में खरा। आप कितनी खरी है वैसे महवेश? मैं अपने काम में पूरी बुरी लॉयल्टी से काम करती हूँ, और हर खातून को लगता है कि मैं बहुत खरी हूँ। तो उन्होंने उसको कहा कि हर आपकी तरह काम में खरा। वैसे असूल की बात यह है कि रमजान मुबारक में वैसे भी काम बढ़ जाता है, खातून का भी रोजा होता है, उसने भी उसके लिए भी मुशक्कत होती है, तो काम बांट लें। और लेमन मैक्स आपके घर में अगर बर्तन ज्यादा धुलने पड़ रहे हैं तो खुशियों से बढ़कर तो नहीं है, तो उसमें आप हाथ बटा दें, अच्छी तरह से साफ बर्तन धोएं, चमकीले उजले, और इस तरह से सवाब में भी हिस्सा डाल लें और घर की जिम्मेदारी में भी। बना क्या रहे हैं वैसे? आज हम बनाने जा रहे हैं काबुली पुलाव है, जिसको मैं मटन में बनाऊंगी, और उसी के साथ साथ मैंने क्रिस्पी बॉक्स पैटीज हैं इसके अंदर, बिल्कुल हमने चिकन बॉयल है और उसको मैंने नमक और काली मिर्च में बॉयल कर लिया, चॉप किया, उसमें बंद गोभी और चिकन को मिक्स करके मैंने इसकी जो समोसा पट्टी है उसके साथ इसका बॉक्स बना दिया। इसको एक पट्टी को हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और एक बिल्कुल ऑपोजिट रखनी है, इसी के ऊपर बैटर डालना है, और इसको हमने बॉक्स इसको हम एक्चुअली ना हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको पहले बना लिया, और उसी के साथ साथ काबुली पुलाव बनाएंगे। अब आपको मैं बताना तो पड़ेगा कि इसके अंदर जो भरा है वो कैसे बनाया है। वो मैंने बनाया, वो ऐसे बनाया है कि उसमें मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन लिया है, उसको नमक और काली मिर्च में मैंने बॉयल कर लिया है, बॉयल करने के बाद मैंने उसको श्रेड कर लिया क्योंकि वो बोनलेस था, श्रेड करने के बाद उसके अंदर कटी हुई बंद गोभी डाली है, उसको अच्छे से मिक्स किया है, नमक काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च डालकर जस्ट, और कुछ भी नहीं डाला, और इसमें मैंने थोड़ी सी चेडर चीज को मैंने ऐड किया है, और उसके बाद समोसा पट्टी जो है उससे मैंने इसके बॉक्स पैटिस बना दिए हैं। तो उसी के साथ इसको हम फ्राई करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल में, डालडा कुकिंग ऑयल जो कि रिफाइंड कुकिंग ऑयल है। और अब आगे आपको मैं भी याद नहीं हुआ अभी तक जो मैं बताऊं? जी बिल्कुल याद है, ये मैं याद जरूर है, लेकिन 10 नंबर है, बताओ पॉइंट्स बताओ। ये बिल्कुल खालिस है और बहुत लाइट है, और इसमें बना हुआ जो खाना है वो आप कभी भी, महवेश के अपने ही पॉइंट है जो मैं इसे दोबारा सिखा रही हूँ, वो नहीं इसे समझ में आ रही, मुजरे सेहत कोलेस्ट्रॉल से पाक है, कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ देखे ना आगे फोर्टिफाइड लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लांट पे तैयार किया जाता है जहाँ पर इसकी कुदरती जो गजाइत है तेल की वो प्रिजर्व की जाती है, और एडिशनल इसमें मिनरल्स एंड विटामिंस ऐड किए जाते हैं ताकि हमें सेहत भी दे और साथ साथ लज्जत भी। बिल्कुल ठीक है, वो महवेश को अपना ही याद है कि वो एक्चुअली क्यों कि मैंने ना वो इतना काम में मैं इतनी तवज्जो दे रही हूं, तो आप जो पॉइंटर बोल रही थी मुझे थोड़े बहुत याद होते हैं, लेकिन मैं इतने क्योंकि मेरा काम बोलने का और आपका काम करने का है। तो ये जो बॉक्स पैटीज हैं इसको हम डालडा कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे, ठीक है, और ये जरा डीप फ्राई होंगे। जी बिल्कुल, ये डीप फ्राई होंगे जैसे हम समोसे तलते हैं, जैसे समोसे तलते हैं, और इसी के साथ साथ मैं ये समोसे ही है एक तरह के, सिर्फ चकोर शक्ल में, सिर्फ चकोर शक्ल में है। आप इसके अंदर फिलिंग में वेजिटेबल्स भी कर सकते हैं, चिकन कर सकते हैं, कीमा कर सकते हैं, इवन कि आपके घर में कोई सालन रात का बना हुआ है उसको भी आप मैश करके इन पैटीज में फिल कर दाल भी भर सकते हैं, दाल भी भर सकते हैं, कुछ भी वेरिएशन, इवन चॉकलेट है, जो बनाना है, डिफरेंट किस्म की चीजें हैं, इसमें मैश करें, इसमें फिल करें और इसको फ्राई करें। बिल्कुल सही, सो ये एक तरीका है बच्ची कुछ ही चीजों को अच्छी तरह से वो अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने का। और उसी के साथ साथ बता रही हूँ काबुली पुलाव। काबुली पुलाव वैसे बीफ का बनता है ना? हाँ जी, बीफ का बनता है, लेकिन मैंने इसमें मटन लिया है, तकरीबन एक किलो मटन है, ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं इसमें ले रही हूँ एक प्याज बारीक कटी हुई। जो लोग इसे बीफ में बनाने से उनके लिए भी तरीका बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, बीफ में, मटन में, और अगर आप चिकन में, किसी में भी बनाएं, आप जो प्रोसेस है, जो इसका तरीका है, वो सेम ऐसा ही है। ना कीजिएगा, अगर आपने काबुली पुलाव खाना ही है तो आप बीफ में खाएं, बीफ में खाएं, और चिकन की थोड़े अरसे के लिए जान जो है ना वो छोड़ दें। मैं इस दफा, मेरा आपसे मेरा प्रॉमिस है, चिकन से हमने जान छुड़वा लेनी है।
अच्छा जी, वैसे इस दफा ना डालडा की कुकिंग रेंज पूरी है इनकी, उसके ऊपर 200 रुपए की बचत भी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक तो डालडा खालिस बहुत है, अच्छा बहुत है, ऊपर से बचत है। तो आपको पता है जो खवातीन है वो बचत के मामले में सबसे आगे आगे होती है। अच्छा, छोटी छोटी बचत आप जमा करें ना, और आप महीने का सौदा सेल्फ लें तो एट द एंड ऑफ द डे आपके 1000-1500 रुपए जो है बच जाते हैं। बच ही जाते हैं, आपका एक सूट आपका एक सूट आ सकता है। बिल्कुल सही, अगर आप कॉपीज में जाएं तो उसमें, या फिर ना भी जाएं, सूट ना एक शर्ट आ जाए, एक शर्ट ही आ सकती है, बिल्कुल काफी है। मैंने इसमें एक प्याज लिया है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून डालडा कुकिंग ऑयल है, और उसमें मैंने बॉयल किया हुआ ये जो मटन है वो डाल रही हूँ। इसको मैंने अच्छे से फ्राई करना है, जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा मैंने नमक लेना है, कुटी लाल मिर्च लेनी है, सफेद मिर्च है, चिकन पाउडर है, इसमें मैंने लहसुन का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर रही हूँ। बॉईल करना जरूरी है या आपने बॉईल करके जो इसका पानी है वो मैंने इसमें डालना है, मतलब मैंने जो इसकी जो स्टॉक निकाला है वो मैं इसमें ऐड करूंगी। उसमें एक 10 मिनट कुक होगा। जो राइस है वो हाफ डन किए हुए हैं, यानी कि 70-80% मैंने इनको पकाया हुआ है, वो मैंने राइस इसके ऊपर डालने हैं। उसके बाद मैंने ये जो गाजरें और काली किशमिश है इसको शुगर के अंदर कैरमलाइज किया है। लास्ट में मैं इसके ऊपर वो डालकर मैं इसको दम दे दूंगी, और 10 मिनट के दम के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। एक रेसिपी मैं भी आपको बताती हूँ। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, बहुत अफगानी रहते हैं। अच्छा। और हमारे बाजुकात नेबर्स हैं ना, वो भी अफगानी थे। अच्छा। मैंने उनसे सीखा था वो ये कि आप एक तो सेला चावलों में बनाएं इसको, बिल्कुल ऐसा ही है, बासमती में ना बनाएं। अच्छा, सेला चावल जो है उनको आपने बॉईल कर लिया और उसको बॉईल करके आपने निकाल लिया। इसी तरह आपने ये जैसे आपने गोश्त बनाया तो इसको बीफ में वो बनाते हैं कि बीफ डाल कर और उसमें पानी डालकर तो उसमें बॉईल कर लिया, एंड देन थोड़ा सा लहसुन का तड़का लगा डाले, पानी डाला, और जब आपने उसे दम लगाना है उससे पहले आपने इन्हीं गाजरों को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, बिल्कुल थोड़े से बादाम फ्राई कर लिए, थोड़ा सा पिस्ता फ्राई कर लिया जो कि भिगो के आपने रखा हुआ है। यही काली वाली जो इनको हल्का सा फ्राई कर लिया, फ्राई करके निकाल लिया, और थोड़ा सा ऑयल बचेगा ना उसमें आप चीनी डाल के उसको कैरमलाइज कर लें, उस कैरमलाइज उसमें फिर आप थोड़ा सा पानी ऐड करके उसका एक सिरप सा बना लें, एंड देन आप ये सारा कुछ जो है वो ऊपर डाल के और वो कैरमलाइज वाला पानी जो है उसके ऊपर डाल के, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा भी बन सकता है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया है ये थोड़ा सा झटपट इसलिए है कि हमने शुगर में उसमें मैंने जो कैरमलाइज किया हुआ है गाजर और काली जो किशमिश है उसमें थोड़ी थोड़ी आपको चीनी भी मिलेगी, जब हम उसको दम पर लगाएंगे तो ओवरऑल हमारे जो पूरे राइस है उसमें उसका टेस्ट और ये चीनी ही इसका कमाल है कि इसमें मीठा और थोड़ा सा मीठा नमकीन। और आपने देखा होगा ना पहले जमाने में अम्मा करती थी नमकीन चावल, अम्मा क्या करती होती थी, सभी करते थे। आज तक भी अगर जर्दा और ब्लाउज में इकट्ठे आ जाए करके खाते हैं, मैं उसे मिक्स करके ही खा रही होती हूं। और अच्छा, दूसरी तरफ हमारा बन रहा है कलशी जामशीरी मैंगो ड्रिंक है। इसके अंदर हम ले रहे हैं मैंगो। अब ऑलपर्स को आप ही उठा सकती हैं। ठीक है। अच्छा जी, हम बना रहे हैं इसको मैंगो में। इसमें ऑलपर्स का दूध लेंगे, मैंगो के हम चंक्स लेंगे, मैंगो को हमने रिमूव कर ली है उसकी स्किन। हम इसमें हाँ जी आम कल ही आए हैं, मुझे तो कल ही मिले हैं, तो मैंने कहा आज उसको बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हमें इस मौसम का ये फल देखना नसीब किया है, शुक्र है उसका, और अल्लाह ताला अपनी नेमतें जो है वो हम पे इसी तरह से जारी और सारी रखे। आमीन। अच्छा, ऑलपर्स की याद कराए मुझे, क्या था मेरा ऑलपर्स? मुझे इतना पता है ऑलपर्स बहुत एक खालिस है, फुल क्रीम मिल्क है, और दूसरा ये है कि आपको इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इवन सफ़र में भी जा रहे हो तो आप इसको एज इट इज पी सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप दूध यूज़ कर रहे हैं तो आपको बेशक क्रीम आप कहीं ना भी डालें तो दूध जो है वो प्रॉपर इसकी जगह फुल कर देता है। बिल्कुल सही कह रही है, फुल क्रीम मिल्क का मतलब है कि इसमें से कोई चीज़ निकाली नहीं गई, ये दूध की कुदरती अज्जा और पूरी उसकी गजाइए जो है अपने अंदर लिए हुए और USG ट्रीटेड है, जिसका मतलब ये कि इसको बॉयल करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, जरासीम से पाक है, हाइजेनिकली पैक्ड है, ताकि जब हम तक आए तो हमें दूध की ताकत गजाइत मिले पूरी हिफाजत के साथ। और इसमें कर्शी जामशीरी ऐड करना, कर्शी जामशीरी बिल्कुल 1 टेबल स्पून। ये इसका क्या था याद? इसका ये था कि इसके ढक्कन खोल दे और इसकी खुशबू कमाल है। लाइट रिफ्रेशिंग। अच्छा, मुझे ना सर दर्द हो रही थी। अच्छा, तो इसकी खुशबू से एकदम से आप ना एक फ्रेशनेस, आप पिए ना भी तो इसका एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा एहसास है। थोड़ा सा ही डालना है ना? हाँ जी बिल्कुल। ये हम चीनी की जगह डाल रहे हैं, ये शुगर डालने की जरूरत नहीं, हम इसमें मैंगो आइसक्रीम डालेंगे। ये मैं हाँ, और दूसरा कर्शी जामशीरी अगर है तो चीनी तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। स्वाफिस ऑफ खालिद क्या आपसे तैयार है? इसमें पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं होता, और ये जो है रमजान एहसास से और जाम इफ्तार जामशीरी से।
कितनी डालनी है इसमें? इसमें तकरीबन आप डाल दें 2-3 टेबल स्पून डालें, इसको ब्लेंड करें और उसके बाद आप इसको, तो ये क्या बनेगा? ये ना ये शेक बनेगा, ये हमारे ये शेक नहीं है, ये ड्रिंक है, करशी जामशीरी मैंगो ड्रिंक। करशी जामशीरी मैंगो ड्रिंक। सो ये बन गया। अब हम इसको, वैसे इसको हम सर्व करें तो मेरा हाल है कनौर केचप के साथ, बिल्कुल कनौर केचप के साथ हम इसको सर्व करेंगे। इसी के साथ जो बाकी के बॉक्स पैटीज हैं वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। कनौर की केचप आप चिली ले लें या आप प्लेन केचप ले लें, दोनों में से कोई सी भी केचप के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपको कनौर का कमर्शियल तो याद ही होगा। नहीं सीरियसली मुझे याद नहीं है, आज आप मेरा ना खाने में से मेरा ध्यान उठ गया और मैं याद करने लग गई हूँ कि मैंने क्या कहना है। क्या कहना है? वो है कनौर इसका मैजिक ही और हाँ, तो फिर कैसे याद नहीं आपको? अब याद आ गया, आ गया ना, जब मैंने अपनी बेसुरी आवाज में आपको याद कराया। हालांकि ये तो इतना मजे का इसका वो है, अब तो वो मेरे एक्चुअली बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो काम का इतना प्रेशर होता है और उसके बाद आप मुझसे क्वेश्चन कर रही हैं, आपने मुझसे कभी क्वेश्चन नहीं किए। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किए तो मैं मेरा ख्याल था अब स्टूडेंट जो है ना उसको याद हो गया होगा। अब मुझे याद, अब मैंने कल से पॉइंटर सारे याद करके आने की मैंने क्या बोलना है, लेकिन मुझे पता चल गया कि मैं भी बिल्कुल टिपिकल हमारी तरह हमारी लेक्चर्स बोल रहे होते थे। हम सोच रहे थे आज कैंटीन में समोसा चाट खानी है या फिर फ्रूट चाट खानी है। सीरियसली हमारे दिमाग में चल रहा होता था बेल होने में कितनी देर रह गई है और आज फिर हम क्या खाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या कहाँ पहुँचे? यहाँ पर मैंने ऑयल है उसको मैंने प्याज को गोल्डन कर लिया है। गोल्डन करने के बाद मैंने इसमें डाला है गोश्त जो ऑलरेडी बॉयल है, उसी की यखनी मैंने इसमें डाली है। इसमें मैंने नमक, काली मिर्च और ऊपर से ये आपने देखा है ये जो सब्ज़ इलायची है वो मैंने पीसी हुई वो डाल रही हूँ। कुटी लाल मिर्च है वो डाल रही हूँ। इसमें लाल मिर्च नहीं डालते हो? नहीं डालते, लेकिन मैं बस इसको लाइट सा इसमें ना थोड़ा टेस्ट करने के लिए डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा करी। उसके बाद मैंने इसमें ये थोड़ा सा पानी ड्राई होता है मैंने ये सारे राइस इसमें डालने हैं और लास्ट में ये जो कैरमलाइज गाजरें हैं और काली किशमिश है ये डाल के इसके बाद मैंने इसको दम देना है और 5 मिनट के दम के बाद हम इसको डिश आउट करें। बिल्कुल सही। आप चाहे तो इस तरह से ये वाला ड्रिंक जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसका जो ब्लेंडिंग ऑफ टेस्ट है ना अच्छा लगेगा ये सारा फ्यूजन। और ये यहाँ पर ये क्या था भला? ये है बॉक्स क्रिस्पी बॉक्स पैटिस जिसको हम सर्व करेंगे कनौर की केचप के साथ। इमेजिन ऐसे अगर सूजी का हलवा बना हुआ हो और वो पड़ा हुआ हो, आपको पता है कैसे समोसे आते हैं जिसमें सूजी का हलवा उसमें? सीरियसली आपने तो मुझे एक नहीं खाए, नहीं खाए बिल्कुल, लेकिन मैं कल जरूर बनाऊंगी। वो क्या चीज है, वो बड़े खस्ता होते हैं, वो टिपिकल समोसे के उसमें वो पैक होते हैं, उसका कोई नाम भी है जो मुझे नहीं आ रहा। उसकी एक साइड पे ना ऐसे उसे बल दे के रोल किया जाता है। अच्छा, मैं गोल बना के ना, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ये सुना है। अरे उसके अंदर मीठा और सारे नट्स होते हैं, सूजी होती है। आप खोए वाले समोसे की बात तो नहीं कर रही हैं? ऑलमोस्ट आप समझते हैं, खोए वाले समोसे तो मैंने खाए, लेकिन उसमें सूजी भी थोड़ी सी डालते हैं। बस ठीक है, कर हम ये जरूर बना रहे हैं। तो ये आप चाहे तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। हो गई हमारी चीजें कम्प्लीट? हमारी चीजें कम्प्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, जब तक ये दम पे देती है मैं विश मैं ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे। Kareem, Ramazan, Kareem, Salaam Allah, Ramazan.